बड़ी सिंचाई योजनाओं के बावजूद बिस्टान सहित करीब 50 गांवों को नहीं मिल पा रहा है पानी। क्षेत्र के लगभग 50 से अधिक गांवों की प्यास बुझाने वाली इंद्रावती नदी स्वयं की प्यास बुझाने के लिए मजबूर हो गई है। जो कल तक इन गांवों की प्यास बुझाती थी, आज उसमें पीने का पानी भी नहीं है। सन 1980 के पूर्व में कलकल बहती रहती और गांव के प्यासे लोगों के साथ मवेशियों के लिए जीवन दायिनी हुआ करती थी, वही आज क्षेत्र के नेताओं की उपेक्षा का शिकार होकर गांव के गंदे नाली के पानी से जीवित नजर आ रही है। इसे क्षेत्र की बदकिस्मती कहा जाए कि बिस्टान नवगठित परिषद के आसपास दो बड़ी बड़ी जलाशय योजनाएं हैं, जिसमें एशिया की तीसरे नंबर की पायलट प्रोजेक्ट परियोजना तो दूसरी देजला देवड़ा बांध है। इन दोनों योजनाओं से बिस्टान परिषद को पानी नसीब नहीं हो रहा है, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार होकर ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ज्ञात रहे कि दोनों ही पार्टियों के कारण क्षेत्र के लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीण राहुल सोनी, संजय मराठे, चुन्नीलाल पटेल बनहेर ने कहा कि अगर उद्वहन नहर परियोजना का पानी इंद्रावती नदी में छोड़ दिया जाए तो ग्रामीणों को गर्मियों में भी पानी मिलता रहेगा और मवेशियों के लिए भी सुविधा हो जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि इसे बिस्टान का दुर्भाग्य कहा जाए कि जो भी जन प्रतिनिधियों ने सत्ता में कदम रखा वो क्षेत्र की जनता को भूल गए। क्षेत्र में करोड़ रुपए की बिस्टान उद्वहन योजना को स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन किसी ने भी गारी गलतार तालाब से उसका रिसाव इंद्रावती नदी तक लाने की बात नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि उद्वहन नहर निर्माण से भी इंद्रावती नदी में पानी छोड़ दिया जाए तो ये नदी पहले की भांति जीवित रह सकती है। डीजियाना न्यूज निमार रिपोर्ट, बिस्टान।